कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट। पहले हम इसको फिर से एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं, ठीक है, और एग्जाम्पल की हेल्प से समझने के बाद हम इसको डिफाइन करेंगे। तो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए कोई यू है यूनिवर्सल सेट, उसमें कौन कौन से एलिमेंट है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। मैं जानकर इसको रोस्टर फॉर्म में लिख रही हूँ ताकि आपको एक एक एलिमेंट साफ दिखाई दे, ठीक है, आपको थोड़ा दिमाग यहाँ कम लगाना पड़े, ठीक है। ए सेट हम ले लेते हैं कोई भी, जिसमें हमारे पास क्या है, ओड नंबर्स ले लेते हैं, ठीक है, 1, 3, 5, 7, 9, ये सेट ले लिया, ठीक है। अब कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, अगर मैं ए सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहूँ, कॉम्प्लीमेंट को ए डैश ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है, इसका मतलब क्या है, वो सभी एलिमेंट्स जो कि यूनिवर्सल सेट में तो आते हों बट ए में नहीं आते हों, यानी ए के जो ए के बाहर का सेट। मैं एक बार इसको आपको वेन डायग्राम से बनाती हूँ, देखो फिर देखना आप आराम से बता पाओगे कि ए कॉम्प्लीमेंट में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे। ये यूनिवर्सल सेट है मान लीजिए, और ये हमारे पास सेट है कोई ए, तो अगर हम बात करें ए के कॉम्प्लीमेंट की, तो मतलब कॉम्प्लीमेंट वाला ए नहीं आना चाहिए, उसके अलावा जो एलिमेंट्स बच गए यूनिवर्सल सेट में वो सभी आ जाए, यानी ए को आप रिमूव कर दो। ए को रिमूव करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, देखो ये बाहर वाला पोर्शन बचेगा ना, एक्चुअल में यू माइनस ए हो गया ये, ठीक है। तो ये जो हमारे पास शेडेड पोर्शन बचा है वो क्या है, ए का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो अब देखो आप इजीली अब यहां से बना पाओगे कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे हमारे पास, वो सभी एलिमेंट्स जो यूनियन में बिलोंग करते हैं बट ए में बिलोंग नहीं करते। कौन कौन से एलिमेंट है, 2, 4, 6, 8 एंड 10। आई रिपीट, जब भी आपको कुछ भी डेफिनेशन में डाउट लगे, आप सबसे पहले वेन डायग्राम्स बनाना। वेन डायग्राम्स अगर आप बनाते हो, आप इजीली किसी भी क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे, ठीक है। कभी भी सेट की रिलेशनशिप की बात आए तो आप आराम से क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे, बस आपको वेन डायग्राम बनाना आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए इसको हम इन वर्ड्स में लिखते हैं कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट क्या होता है। ये वेन डायग्राम आप देख लीजिए अच्छे से, देखिए डेफिनेशन क्या है, लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट एंड ए इज द क्या होता है, सबसेट, सबसेट ऑफ यू, देन द कॉम्प्लीमेंट जो हमने किया है ना, बस उसको हमने वर्ड्स में लिखना है, ठीक है। देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए किसके इक्वल होगा, इज द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ऑफ यूनिवर्सल सेट। सारे में एलिमेंट्स तो आ गए बट कौन से नहीं आने चाहिए जो कि ए के अंदर कंटेन हो, तब क्या लिखोगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट विच आर या विच नॉट विच आर नॉट बिलोंग टू द सेट ए, ठीक है ना। वो सभी एलिमेंट्स जो कि यूनिवर्सल सेट में तो आते हो बट ए में ना आते हो, उसको सेट बिल्डर फॉर्म में आप कैसे लिखोगे, ए का कॉम्प्लीमेंट कैसे लिखोगे, वो सभी एलिमेंट सच दैट कि एक्स जो है वो सभी यूनियन यूनिवर्सल सेट में आता हो बट एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए, ठीक है। और बट की जगह आपको यहां क्या लिखना चाहिए, एंड, क्योंकि दोनों कंडीशन होल्ड होनी चाहिए, ठीक है। एक्स यूनिवर्सल सेट में बिलोंग भी करना चाहिए और एक्स ए में नहीं आना चाहिए, दोनों कंडीशन जब साथ में होल्ड होती हैं तो हमें क्या मिलता है, कॉम्प्लीमेंट मिलता है किसी सेट का, ठीक है। अब इस कॉम्प्लीमेंट सेट की भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, जैसे हमने पहले प्रॉपर्टीज की है ना, उसी तरीके से इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, देख लीजिए, वो काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो हमारे पास क्या है, कॉम्प्लीमेंट लॉ, ये क्या होता है, ए की यूनियन अगर मैं इसके साथ करूं तो क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट, ठीक है। देखो मैं आपको है ना हर चीज डायग्राम की हेल्प से बताती हूँ, ठीक है, आपको कभी भी डेफिनेशन याद रखना नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है, समझ आ जाएगी। ए की हमें यूनियन करनी है किसके साथ, ए के कॉम्प्लीमेंट के साथ। अब देखो ए हमारा ये था दिस पार्ट, और ए कॉम्प्लीमेंट क्या था, इसके बाहर बाहर वाला पार्ट है कि नहीं।
अगर हम इनकी यूनियन कर दे तो देखो पूरा यूनिवर्सल सेट ही आ गया ना, ठीक है ना। अब देखो दूसरी डेफिनेशन करते हैं, ए की अगर हम इंटरसेक्शन करें ए के कॉम्प्लीमेंट के साथ तो क्या आएगा। आप देखो वेन डायग्राम बनाओ और अपने आप निकालो क्या आएगा। ए हमारा ये है, ए ये है, और कॉम्प्लीमेंट क्या है हमारे पास, ए को छोड़ के बाकी सब कुछ, यानी बाहर वाला ये वाला पोर्शन, ये हमारा क्या है का कॉम्प्लीमेंट। तो क्या इन दोनों में कुछ भी कॉमन आ रहा है क्या, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा ना, तो इनकी इंटरसेक्शन में क्या आ जाएगा, फाई, ठीक है, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट ला है। ओके अब देखो नेक्स्ट है हमारे पास डी मॉर्गन्स लॉ, काफी इंपॉर्टेंट लॉ है ये, ठीक है। तो देखिए ये क्या होता है, ए यूनियन बी का अगर हम कॉम्प्लीमेंट लें तो ये किसके को लाता है, ए का कॉम्प्लीमेंट, एंड यूनियन विल बी कन्वर्टेड इनटू इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। एंड ए को साथ में क्या होता है, इसमें अगर ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट करे तो किसके को लाएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट इस बार इंटरसेक्शन यूनियन में कन्वर्ट हो जाएगा बी के कॉम्प्लीमेंट के साथ, ठीक है। इन दोनों चीज़ों को अगर आप वेन डायग्राम्स की हेल्प से समझोगे तो आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। देखिए मैं आपको वेन डायग्राम से बताती हूँ। अब ए यूनियन बी, ठीक है, ये ए और बी है, ए यूनियन बी तो सारा हो गया ना, इसका कॉम्प्लीमेंट का मतलब इसके बाहर बाहर वाला पोर्शन, ठीक है। ये हम इसको ड्रॉ करते हैं। अब ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, ए को छोड़ के बाकी सारा पोर्शन दिस वन, ठीक है, और बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, बी को छोड़कर बाकी सारा पोर्शन, यानी दिस पोर्शन बी को छोड़ के, ठीक है। आप देखो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, जो दोनों में कॉमन आ रहा हो, तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, जहां पर मैंने ब्लू लाइंस और ब्लैक लाइंस लगाई गई, ठीक है, ब्लू और ब्लैक लाइंस कहां ओनली, देखो बाहर वाले आउटर पोर्शन में, यहां पर ओनली ब्लू थी, यहां पर ओनली ब्लैक थी, तो ये आउटर पोर्शन ही आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से देखो आप इसको भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। जैसे आप वेन डायग्राम्स बनाओगे ना, आपको वेन डायग्राम की हेल्प से इजीली आपको कोई भी डेफिनेशन है वो क्लियर हो जाएगी। एंड आई रियली रिक्वेस्ट कि आप खुद अपनी नोटबुक में वेन डायग्राम्स बनाकर देखिए, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो प्लीज़ आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं कोशिश करूंगी कि मैं उसको आपको फिर से क्लियर कर पाऊँ। चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन करते हैं। देखिए नेक्स्ट जो लॉ है वो क्या है, लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट, लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट। डबल कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, ए का कॉम्प्लीमेंट का अगर मैं कॉम्प्लीमेंट कर दूं तो वापस ए ही तो आ जाएगा ना। आप इसकी हेल्प से समझो फिर से, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या था, ए के बाहर वाला पोर्शन, ये मेरा आ गया ए का कॉम्प्लीमेंट। अगर मैं इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहूं तो बाहर वाला पोर्शन छोड़ दो बस, क्या बच जाएगा, ये अंदर वाला ही तो आ जाएगा ना, ठीक है। तो वापस से क्या आ जाएगा मेरे पास, ए आ जाएगा, ठीक है। लास्ट है हमारे पास, लास्ट क्या प्रॉपर्टी है, अगर फाई का कॉम्प्लीमेंट निकाले तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट, और अगर हम यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट निकाले तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फाई, ठीक है ना। इनको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट। आई होप आपको ये डेफिनेशंस क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, प्लीज डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स। टेक केयर, बाय बाय।